मुंगेर जिले की एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। एक महिला जहरीले सांप के बच्चे को अपनी बेटी की तरह उसका पालन कर रही है। सांप का बच्चा भी आज्ञाकारी बच्चे की तरह ही उसकी हर बात मानता है। महिला और सांप के बीच माँ बेटी के रिश्ते को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। दरअसल मुंगेर मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर कासिम बाजार थाना अंतर्गत हेरू दियारा के डकरा गांव में पेशे से मजदूर कृष्णा यादव की पत्नी मीरा देवी एक जहरीले सांप को अपनी बेटी मानकर उसका अच्छे से ख्याल रखती हैं। मीरा देवी का मानना है कि उस सांप ने उसी की कोख से जन्म लिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरी कोख से 3 सांप के बच्चों ने जन्म लिया था, 2 बेटे और 1 बेटी को मैं अपने बच्चे की तरह पालन कर रही हूँ। अपने 3 बच्चों के नाम उन्होंने आंधी तूफान और मेल रखा था, जिनमें से आंधी तूफान की तो मौत हो गई, लेकिन मेल यानी कि मीनू अभी तक जिंदा है। मीरा ने मरे हुए आंधी तूफान को घर में ही दफनाया है। तुम बेटी जो करना है तुम करो, भगवान के नाम लो, क्या है नहीं है तुम्हारे पे घर में हम नहीं देख सकते, इतना बोला। तो हम घर आए, घर आने के बाद वहाँ से बेचैन दर्द उठा, हम जोर से ब्लड पानी दोनों चला, चलने के बाद पेशाब करने बैठे तो शरीर में इससे इससे करने लगा, डोलने लगा। डोलने के बाद ही सर से निकल गया आ किधर चला गया, खोजते रह गए, मिल भी नहीं किया। और 17 तारीख को बिहला पूजा था, नागपंचमी पूजा था, जन नागवा का अति चढ़ता दूध लवा। वो दिन हम रोटी पूड़ी छकने बैठे, सवाई बना के धारे में, और पूड़ी छकने जैसे बैठे ना तैसे 3 गोद में आ गया। विज्ञान इन सब बातों को नहीं मानता, पर महिला का ये दावा कि उसने सांप रूपी 3 बच्चों को जन्म दिया है ग्रामीणों को हैरत में डाल देता है। पहले तो लोगों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, पर जब जहरीले सांप के छोटे छोटे बच्चे महिला की गोद में खेलते हुए नजर आए तो वे भी उसे सच मानने लगे। मीरा देवी बताती हैं कि उसके 1 लड़का और 1 लड़की होने के बाद कई सालों के बाद प्रेगनेंसी हुई थी। स्थानीय डॉक्टरों से इलाज करवाया, जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टरों ने कहा कि उसके पेट में थैली है पर बच्चा नजर नहीं आ रहा है। प्रेगनेंसी के 9 महीने के बाद रात में उसे जब पेट दर्द हुआ तो वो बाथरूम गई। वहाँ पर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, पर अंधेरे की वजह से कुछ भी नजर नहीं आया। मीरा देवी का कहना है कि नागपंचमी के दिन मुझे किचन में 3 सांप नजर आए, उसके बाद मैंने इन्हें अपने बच्चे मानकर पालना शुरू कर दिया। न्यूज़ डेस्क।